हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं फिर से अपनी इवनिंग की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और कुछ स्पेशल जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये इवनिंग की समय है और यहाँ पे मैं अपने बाल बना रही हूँ, और जो भी अभी सांझ बाती होती है ना, उससे पहले ही बाल हमेशा बनाना चाहिए, नहीं तो सांझ बाती के बाद नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत पहले से हम लोगों को बड़े बुजुर्गों बोलते आए हैं। तो मैंने अपनी बाल बना ली है और उसके बाद यहाँ पर बाहर मैं आ गई हूँ पौधों में पानी डालने के लिए। और अभी इवनिंग में ही मेरे कपड़े धुल के मिले हैं मुझे, तो मैं इन कपड़ों को बाहर फैला दूँगी और यहाँ पे ना हवा से सूख जाएंगे, और जो नहीं सूखेंगे वो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बाहर में निकाल दूँगी। क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है। तो आज थोड़ी लाइन थी तो मैंने डाल दिया और कपड़े धुल के मिल गए हैं। एकदम शाम की समय है, मौसम भी अभी ठीक है लेकिन ख़राब हो जाती है बीच बीच में, आप सभी को पता है। तो यहीं पर बस मैं कपड़े डाल दूँगी। और मैंने यहाँ पे देखिए जो चावल होते हैं ना, जिसे खीर बनती है, वो वाली चावल मैंने फूलने के लिए दे दिया था। ये घर का ही चावल है जिसको अरवा चावल बोलते हैं। तो ये मैंने एक गिलास फूलने के लिए दिया है सुबह ही, क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी लगेगी वो वाली डिश मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये है सेम की दाने, जिसे जो सेम होते हैं ना, जिसको पोपट बोलते हैं या फिर लाइम सेम बोलते हैं, वो वाले सेम के दाने हैं। तो इन दानों को भी मैंने ये करके निकाल के और इसको डाल दिया था पानी में। तो ये शाम तक पूरा फूल चुका है और इन दानों से मैंने दाना निकाल रही हूँ और छिलकों को अलग कर रही हूँ। तो जैसे मैं प्रेस करती हूँ ना, उसके बाद ये दाने आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैं सारे दानों को एक एक करके निकाल ले रही हूँ। देख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत है थोड़ी सी, लेकिन खाने में अच्छी लगती है। तो आप सब भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत लोग इसे खाए भी होंगे, जैसे कि बचका बोलते हैं, या फिर मैं इसकी हम लोग के यहाँ पे मैं सिंपल सी भाषा में सेम की छिलका बोलने वाली जाती हूँ, और यही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो मैं सेम की छिलका बनाने जा रही हूँ, बहुत जगह इसे बचका भी बोलते हैं। तो चलिए आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे इवनिंग के समय में यहाँ पे रियांश पूजा कर रहा है, तो शाम की पूजा की ड्यूटी मेरे बच्चों की है, ये अपनी देख रेख में ही पूजा कराती हूँ। बट इन लोगों की एक हैबिट डलवा रही हूँ ताकि ये जब बड़े होंगे तो शाम में खेल के आने के बाद पूजा करके अपनी पढ़ाई में लगेंगे। तो अधिकतर तो दिव्यांशी जलाती है, लेकिन आज इसका मन कर गया है तो ये जला रहा है, और सुबह की पूजा मैं करती हूँ। तो ये यहाँ पे पूजा कर लिया है और यहाँ पे ये रखने नहीं पा रहा है, तो मैं इसे रख दूँगी। तो इस तरह से इसे मैं अपने ही देख रेख में पूजा कराती हूँ दोनों बच्चों को, ताकि नुकसान ना हो या अपने हाथ पैर ना जलाए या फिर कुछ चीज़ें और ना जलाए। और यहाँ पे देखिए, ये दाने तब तक मेरे सारे निकल गए थे, और अब इन दानों को ना एक एक दाना को अलग कर रही हूँ। तो बस हल्के हल्के हाथों से करूँगी ना तो हो जाएंगे, और इसके बाद इसे ना बॉयल कर दूँगी। तो बॉयल के लिए मैंने रख दिया है। बॉयल होने के बाद उसमें आप नमक और थोड़ा सा हल्दी मसाला डाल सकते हैं या फिर सिंपल उसे बॉयल कर सकते हैं। और ये जो चावल के चावल है ना, मैंने इसे पीस लिया है, और यहाँ पे देखिए लिक्विड ही पीसा है, और सारे मसाले, हल्दी और जीरा, गोलकी, लहसुन, ये सब पीस के, और ये जो दाने हैं वो डाल के मिक्स कर दे रही हूँ। और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ज़्यादा भी गाढ़ा बैटर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, तो मीडियम है ये। तो बस ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मिक्स हो गया है और अभी मैं जल रही हूँ, तो ताई मैंने रख दिया है यहाँ पे, और अभी मैं छिला बनाने के लिए एक डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से डालूँगी, और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सभी इसको ट्राई कर सकते हैं बना करके और खा के भी, और जो लोग खाए होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो ट्राई करेंगे उसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। हम सभी को तो अच्छा लगा, हम सभी ने खा लिए थे इसे, और
शाम की नाश्ते भी हो गई थी और डिनर भी हो गई थी, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी भी हो जाती है, चावल के छिले हैं ना तो हैवी हो जाते हैं और इस पे दाने भी लले हैं। तो ये देखिए ये बचका रेडी हो गया है और अब ना इसे पूरी तरह से पकने दूंगी, ढक ढक के पकाऊंगी ताकि ये कुछ भी थोड़ा सा भी कच्चा ना रह जाए, क्योंकि कच्चा रहेगी चावल की ये है छिलका है तो थोड़ा सा ख़राब लगेगा। और सेम भी डला हुआ है तो इसमें मैंने थोड़े से ऊपर में तेल लगा दी हूँ और इसे अब मैं पकाते जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा ये रेसिपी और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी मुझे बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा, किसने किसने खाया है ये तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए पूरी तरह से पक गई है, आपको दिख रही होगी पकी पकी। और अब इसे मैं ना निकाल लूँगी, देखिए मैं आपको इधर से भी दिखा दे रही हूँ, अच्छे से पक गई थी। तो ये मैंने निकाल लिया है, एकदम ही अच्छे से पकी हुई है और ये छिलका रेडी हो गई है। देखिए तोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ, एक मैंने पहले निकाल लिया था, सब लोग जितने भी थे सब लोग ने टेस्ट कर लिया था थोड़े थोड़े से, और ये पूरे पके हुए हैं। बॉयल कर लेने से दाने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो बॉयल ज़रूर कीजिएगा। तो मैं देखिए एक एक करके सारे मैं बना ली हूँ ये सेम की दाने की छिलका। आप सभी को कैसा लगा आप सब ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की आप बना सकते हैं, जैसे चने की, मटर की, तो सारी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप सब ना एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।